1986 में आप कराची में पैदा हुए, मतलब सिंध से आपका ताल्लुक है और 10 साल क्रिकेट खेल ली, ये बात समझ नहीं आ रही। ना आपका पंजाब से ताल्लुक है, ना केपी से ताल्लुक है। आपको समझ आए तो मुझे भी समझा दीजिएगा। आपने यूनिस खान, मिसबाउलग और अजहर अली, हमने सुना है कि मुकाबला होता था आपस में कि कौन ज्यादा बॉलर रोकेगा। विदाउट एनी डाउट मिर्जा भाई जीत गए मुकाबला। क्रिकेटर इंसान दो वजह से बनता है, या तो लड़कियां, फेम, क्रिकेटर, ओह माय गॉड, या कड़की। मतलब आपको क्रिकेटर किसने बनाया, लड़की ने या कड़की ने? मुझे इन दोनों में से किसी ने, मुझे पैशन ने बनाया। मतलब आपका भी वही चीज थी जैसे स्ट्रीट पे, रोड पे नाइट मैच खेलने सैटरडे नाइट को, और बॉल गटर में चली गई और दो बंदे जाके दो डंडों से यू करके गटर से यू बॉल निकाल रहे हैं। ये हर कहानी है, ये हर प्लेयर के साथ। हम समझते हैं इंटरनेशनल प्लेयर शायद वहीं से आ जाते हैं, उनका कोई आसमान से आसमान पे उतर जाते हैं, लेकिन आप लोगों ने भी गटर से बॉलें निकाली हुई है। देखें ऐसे ही शुरू होता है सबका करियर जो है, शुरू में सब गली में ही खेलते हैं। बल्कि मैं आपको बताऊं, मैं खुद भी क्रिकेटर रह चुका हूं। मतलब एक मसला हो गया था, उसकी वजह से क्रिकेट डिसकंटिन्यू की। मैं बॉल मतलब रगड़ रहा था, बॉलिंग कराते हुए आग निकल गई थी। अजी उन्होंने कहा ये आग वाग के निकाल ले भाई। और फिर एक दफा ये वाकया हुआ, एक दफा तो उन्होंने ग्राउंड से बाहर निकाल दिया मुझे। मैं भागता हुआ आ रहा हूं तो प्लेयर हट रहा है वो साइड से ना। मैंने कहा यार मेरी दहशत है, देखा तो पजामा यहाँ आया हुआ था। अस्सलाम वालेकुम मौजूद खवातीनों हजरात, मैं हूं नादिर अली। आज खाने को दिल कर रहा है दही बल्ले, लेकिन इस वक्त कुछ नहीं है मेरे पल्ले। जब टीम को चाहिए होते हैं बहुत सारे रन, तो इनके चलते हैं बल्ले। खवातीनों हजरात असद शफीक, बल्ले बल्ले बल्ले। थैंक यू नादिर भाई, थैंक यू सर। सर क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, सब अच्छा है। आपको देख ले तो और अच्छे हो जाते हैं सर। माशाल्लाह क्या हेयर स्टाइल, क्या आपकी शेव, ये कल्चर आप लाए थे टीम में, ये शेव वाला? नहीं नहीं मैं नहीं लाया था ये कल्चर। आपको पता है हर चीज के बानी वही है, जो भी नई चीज आती है सबसे पहले वही लेके आते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता। नहीं अच्छे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। असद भाई चार दिन की जिंदगी है, टेस्ट मैच पांच दिन का क्यों? ये सवाल तो मैं खुद पूछ रहा हूँ अपने आप से पिछले 15 साल से। अच्छा अच्छा, पहले तो होता था ये टेस्ट मैच और लंबा 6-7 दिन का, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इसमें जो है वो चेंजेस आती रही। 6-7 दिन तक चला? हाँ, बिल्कुल। बीच में ब्रेक भी आता था, एक दिन का गैप होता था बीच में। जब भी मैं बोलूं यार ये कमेंटेटर इतने सुस्त क्यों है टेस्ट मैच के, मतलब एक जुमला बोला नाज़रीन पॉज आया, वसीम अकरम इंजमाम, मतलब ये साथ साथ कपड़े भी धो रहे हैं, चढ़िया सुखा रहे हैं, कपड़े इस्त्री भी चल रहे हैं कमेंटेटर। लेकिन सात दिन का है तो हाँ, लेकिन मैं आपको बताता हूँ जो ट्रू लवर्स है ना गेम के, जो उसको मतलब इसकी बेसिक्स देखते हैं और जो शुरू से गेम देखते आ रहे हैं, वो हमेशा टेस्ट मैच को प्रेफर करते हैं। पूरा पूरा मैच अभी भी ऐसे लोग हैं जो टेस्ट मैच की एक बॉल भी मिस नहीं करते। नहीं नहीं ऐसा ही है, क्योंकि टेस्ट मैच हकीकी मायनों में प्लेयर को टेस्ट करता और प्लेयर निकलता वहीं से। बिल्कुल, अब तो इवॉल्व हो गई है क्रिकेट जब से 2020 आया, फिर अब T10 भी आ गया। अब तो आप देखें अबू धाबी में होता है हर साल T10, ऐसा रिवॉल्व हो रहा है ये T10 और ये जो हांगकांग में सुपर सिक्सेस होते हैं, ये मेरा ज्यादा क्रिस्प नहीं कर दिया मेरा पर्सनल क्रिकेट की एक जो हुसन है वो ज्यादा मर के, जिसकी वजह से क्वालिटी प्लेयर्स नहीं आ रहे हैं। मतलब हम आप मुझे ही बताएं, सचिन तेंदुलकर, इंजमाम उलहक, असद शफीक, यूनस खान और इस तरह के प्लेयर्स आप हमें क्यों नहीं देख रहे? देखिए मेरा पर्सनल व्यू ये है कि 2020 तक तो सही था, क्योंकि 20 ओवर में स्टिल आपके पास टाइम होता है चीज़ें थोड़ा मैनेज करने, लेकिन T10 टू फास्ट है। अब T10 के रिकॉर्ड्स जब आप निकाल के देखेंगे तो उसमें बैट्समैन की एवरेज 20, बॉलर की इकोनॉमी जो है वो 8-8, 9-9, 10-10 पे पहुंची हुई है, तो वो रिकॉर्ड जस्टिफाई नहीं करते प्लेयर जितने बड़े बड़े खेल रहे हैं T10। मुझे नहीं लगता कि T10 जो है क्रिकेट बहुत ज्यादा कामयाब हो पाएगी फ्यूचर में 2020 तक। अच्छा, ये आपका ऑफिशियल स्टेटमेंट? ये ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, ये मेरा ओपिनियन है। मुझे ऐसा लगता है। मुझे ऐसा लगता है। नहीं, मुझे भी ऐसा लगता है। देखिए मैं एक व्यूअर तो हूं ना क्रिकेट का, क्रिकेट समझता हूं और हर पाकिस्तानी समझता है सर, हर पाकिस्तानी समझता भी है और कोच भी है ना, कोच भी है ना, जो कुछ नहीं है वो क्रिकेटर तो है ही है। यकीन करें आप 2011 में जब मोहाली पे आउट हुए ना युवराज सिंह की बॉल पे, तो मैं बाकायदा चीख रहा था नहीं 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 नहीं, आप जो पीछे होकर जरा मार रहे थे, हुक मार रहे थे, क्या मार रहे थे आप? इधर हुए थे, मैं फिर वर्ल्ड कप से आके गया जरा, क्योंकि मैं जाता हूँ घर का सामान वामान लेने, तो एक सब्जी वाला है जो कि हमारा मतलब उसी से हम सब्जी, वो भी क्रिकेट का अपनी गली में चैंपियन है वो। सही है,
तो मैं आया आके कह रहा यार असद भाई वो युवराज की बॉल जो है ना आप ऐसे नहीं ऐसे खेल लेते अब, क्योंकि यार वही टेंशन तो थी। मैंने कहा यार ये क्या बात कर रहे हैं, इसको मैं कैसे समझाऊंगा। लेकिन लोग बहुत मोहब्बत करते हैं इस गेम से, जज्बाती हैं लोग थोड़े से, लेकिन प्यार बहुत करते हैं, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। बल्कि हमारे पड़ोसी मुल्क में तो कुछ ज्यादा जज्बाती हैं, मतलब वो तो हीरो से जीरो अगर बनाना हो तो वो लोग तो हाँ, थोड़ा मिसाल आप है। मैं समझता हूँ आमिर खान साहब ने एक बात की थी, बहुत अच्छी बात थी, कि जब क्रिकेट टीम हारती है ना तो तभी असल सपोर्ट बनती है उनको, तब है कि यार आप उनको आप उठाए, उनको तब सहारे की जरूरत है। 2011 के वर्ल्ड कप के बाद मुझे अच्छी तरह याद है कि जब हम लोग जा रहे थे ना यहाँ से, क्योंकि उस वक्त टीम नई थी थोड़ी, शाहिद भाई, शुएब अख्तर, ये दो तीन प्लेयर थे जो पहले के थे, बाकी हम, मैं, जुनेद खान, हम लोग सब नए थे, तो लोग इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि नई टीम है, पता नहीं शायद करे नहीं करे, नहीं मैं वर्ल्ड कप 2011 की बात कर रहा हूँ, तो एज अ अंडरडॉग्स हम लोग गए थे, लेकिन हम जिस तरह से खेले वो थ्रू आउट टूर्नामेंट, फिर सेमीफाइनल, मुझे ऐसा पर्सनली लग रहा था कि जब हम लोग इंडिया से हार के आए ना वो लोग बहुत गुस्से होंगे बहुत, लेकिन जब हम यहाँ पहुँचे एयरपोर्ट पर तो लोगों ने जो प्यार दिया वो देख के मुझे बहुत अच्छा लगा कि यार हम लोग हार के आ रहे हैं, लेकिन स्टिल लोगों ने इस चीज़ को देखा कि हमने फाइट बैक की और थ्रू आउट जिस तरह हम खेलते हुए हैं वो बहुत अच्छा था। नहीं, लोग एट द एंड मान जाते हैं बिल्कुल। अभी बल्कि ये दुबई में जो वर्ल्ड कप हुआ है इसमें सेमीफाइनल में मैं भी वहीं था, तो दुख होता है कि यार आगे जाना चाहिए था, लेकिन बस एट द एंड बंदा मान ही जाता है कि यार हमारी टीम ने भाई बहुत अच्छा किया, चले कोई बात नहीं, लड़के खेली। देखिए हम लोग ये कहते हैं कि लड़के खेलो, वन साइडेड मैच होता है ना तो फिर बहुत डिसअपॉइंटमेंट होती है, और कुछ लोग तो आपको पता है ना थड़े पे बैठ के क्या बोलते हैं, बिक गई भाई, बिक गई, कुछ नहीं कर सकते, बिक गई। मतलब ये पहली टीम है मतलब जो पैसे लेके हारती है, दुनिया पैसे लेके जीतती है, है? अनफॉर्चुनेटली पास में इस तरह के एक दो इंसिडेंट हो चुके हैं ना जिससे लोगों का कॉन्फिडेंस शेक हुआ है, लेकिन उसके बाद से फिर पाकिस्तान टीम मतलब मुश्किल दौर से गुजरी है ना, उसके बाद से जिस तरह अपनी रिबिल्ड की हैं चीज़ें, तो लोग अब आहिस्ता आहिस्ता दोबारा लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है, और वही फैन फॉलोइंग जो पाकिस्तान टीम की थी आज से कोई 12-13 साल पहले, आहिस्ता आहिस्ता उसी तरह रिबिल्ड हो रहा है। असद भाई आप 10 साल खेले टेस्ट मैच, अभी आप ड्रॉप है फिलहाल, इंशाल्लाह हम दुआ करेंगे कि आप वापस कमबैक करें। 1986 में आप कराची में पैदा हुआ, ठीक है जी, मतलब सिंध से आपका ताल्लुक है और 10 साल क्रिकेट खेल ली, ये बात समझ नहीं आ रही ना आपका पंजाब से ताल्लुक है ना केपी से ताल्लुक है। आपको समझ आए तो मुझे भी समझा दीजिएगा। बाकी एक सवाल है ये, पता है कराची वालों का एक सवाल, लेकिन माशाल्लाह कराची से भी, कराची से पहले पंजाब का भी डोमिसाइल बनवाया था। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, जावेद भाई भी देखें, मैं तो हमेशा से उनको देख के जो मेरे अर्ली डेज थे जावेद भाई को, क्योंकि वो भी यहीं के थे, हाँ जावेद मियादाद, और जिस तरह उन्होंने डोमिनेट किया है एज अ बैट्समैन थ्रू आउट पूरी दुनिया में जाके जिस तरह उन्होंने रन बनाया, और फिर जो मेरे अर्ली स्टेजेस जो मेरा प्रोफेशनल कैरियर था जब शुरू हुआ, फिर यूसुफ भाई को देख के जो है वो ऐसा लगता था यार एक दिन यूसुफ भाई जैसा प्लेयर बनना है मैंने, तो यूसुफ भाई तो आपके ब्रांड एम्बेसडर हैं, मोहम्मद यूसुफ मौजिज खवातीन हजरात हमारे भी बहुत वेल विशर हैं, बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, असद भाई के भी सीनियर हैं, फ्रेंड हैं, और यूसुफ भाई ने तो जितनी आपकी तारीफों के पुल बांधे ना, कभी कभी तो ऐसा लगता था कि यूसुफ भाई को आपने कोई परसेंटेज दिया था कि यार मैं मैच खेलूंगा तो यूसुफ भाई 30% आपका है, यकीन करें वो इतनी सपोर्ट करते थे आपको। बहुत मुझे बिल्कुल याद है, वो बहुत सपोर्ट करते हैं, शुरू शुरू में जो मेरे जब मैं आया पाकिस्तान टीम में तो आई वाज लकी इनफ कि मैं उनके साथ खेला हूं वनडे मैचेस ना एक दो, नहीं इंतहाई स्टाइलिश बहुत अच्छे, बहुत मैं समझता हूं कि डांसिंग प्लेयर, ऐसा प्लेयर पाकिस्तान ने प्रोड्यूस नहीं किया, ये बात हकीकत है। और जो साल उन्होंने आपको याद होगा वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्होंने बनाया मोस्ट रन्स का, जी मोस्ट रन्स का इन अ कैलेंडर ईयर, उस साल तो जो उन्होंने बैटिंग की थी तो वो बंदा टीवी के सामने ही बैठा रहा बस, नहीं बाकी उस साल तो मैंने बल्कि यूसुफ भाई को कहा था इतना बड़ा बल्ला था आपका, मतलब लगती ही नहीं थी बॉल विकेट को। और एजाज अहमद साहब का मैं यहाँ पे जरूर नाम लेना चाहूंगा, मैं पाकिस्तान ए में फर्स्ट टाइम सेलेक्ट हुआ था, तो उस टूर मैंने इतना अच्छा कोई खास किया नहीं था मैंने और अजहर अली ने, लेकिन जब टीम आई थी वापस तो एजाज अहमद साहब की आई क्या कह लें उनकी, उन्होंने कुछ देखा होगा मुझमें और अजहर अली में, तो उन्होंने आगे हम दोनों का नाम लिया कि ये दोनों लड़के जो है वो तैयार हैं, और उस टूर पे ना मुझसे परफॉर्म हुआ था ना अजहर अली से, और फिर थ्रू आउट हम दोनों 10-10, और अजहर अली तो माशाल्लाह अभी भी खेल रहा है, तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया शुरू। आप में यूनिस खान, मिसबाउल हक और अजहर अली, हमने सुना है कि मुकाबला होता था आपस में कि कौन ज्यादा बॉलर रोकेगा। विदाउट एनी डाउट मिसबाउल भाई जीत गए मुकाबला। नहीं नहीं लेकिन यार उन्होंने एक मैच में प्रूव भी तो किया
कितना स्मिथ की उन्होंने जो है ना बॉलिंग कैरियर बजाई यार, बॉलिंग कैरियर स्मिथ का खत्म कर दिया उन्होंने, है ना। वो जो बहुत फास्टेस्ट 50 कर गए, फास्टेस्ट 100 की थी, फास्टेस्ट 100 की थी ना फास्टेस्ट 100 भाई, उधम मां बहन एक चाक चाक हर बॉल पीछे ओ पवेलियन। लेकिन 8 से 7 से 8 साल पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर हम चारों ही खेलते रहे थ्रू आउट 7-8 साल तक, तो ये बड़ा अच्छा है। और बहुत अच्छी केमिस्ट्री बन गई थी और पक्के पक्के आप लोगों की तो मिसालें दी जा रही थी। वो याद है इंग्लैंड को व्हाइट वॉश किया था आप लोगों ने, दुबई में फिर ऑस्ट्रेलिया को किया था, वहीं पर ऑस्ट्रेलिया को व्हाइट वॉश किया, बिल्कुल किया था ऑस्ट्रेलिया। अब आप देखें ना कितना गोल्डन पीरियड, मोहसिन हसन खान उस टाइम कोच थे, बिल्कुल कोच यार, उनको भी क्रेडिट जाता है। देखें वो विनिंग टीम का हिस्सा, बहुत कम अरसा वो कोच रहे लेकिन वो जितने भी सीरीज रहे वो पाकिस्तान ने बहुत अच्छा खेला गोल्डन सीरीज में। ये बात है, मैं समझता हूँ कि यार ऐसे लोगों को, क्योंकि कुछ लोग गुड लक भी लेके आते हैं, मैं समझता हूं उन लोगों को कंटिन्यू किया जाना चाहिए। अब उनके बोर्ड के साथ यूनुस खान होगा, यूनुस खान ने देखे वर्ल्ड कप जितवा दिया था, मतलब कहा जाता है कि एज अ कैप्टन जी उसका नाम तो लिया जाता है ना। हाँ वो मोहसिन भाई के कुछ थे बोर्ड के साथ मसले मसाइल, वो नहीं हल हो पाए तो। अच्छा असद भाई, हर क्रिकेटर का स्कैंडल होता है, कुछ ना कुछ होता है, कोई ना कोई ऐसी चीज आ जाती। मेरा क्यों नहीं आया, आपका क्यों नहीं आया, मतलब आप क्रिकेटर नहीं है या आप स्कैंडलों में घुसते नहीं है या आपने क्या ऐसी, मतलब हर किसी को खरीदा हुआ है कि मेरा स्कैंडल ले आना, क्या मसला है ये बात समझ नहीं आ रही। नहीं, ढूंढने से नहीं मिला आपका स्कैंडल। बारी की बात ये है कि देखें ये घर की तरबियत का इसमें बड़ा जो है ना वो रोल है। मेरी वालदा ने कुछ लाइन्स ड्रॉ की हुई थी, कुछ वैल्यूज मुझे बताई हुई थी कि इन लाइंस से जो है आपने आगे नहीं जाना है, तो बस ये उनकी जो है तरबियत, मैं कहूँगा कि उनकी वजह से मैं काफ़ी चीज़ों से बचा रहा हूँ। जब भी मैं जाने लगता था किसी टेम्पटेशन की तरफ तो वो बाउंड्रीज मुझे अंदर ही। नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात है। देखिए क्रिकेटर इंसान दो वजह से बनता है, या तो लड़कियाँ फेम या कड़की, मतलब आपको क्रिकेटर किसने बनाया, लड़की ने या कड़की ने? मुझे इन दोनों में से किसी ने, मुझे पैशन ने बनाया। पैशन, जी पैशन, पैशन था क्रिकेट का, क्रिकेटर बनना है। मतलब आपका भी वही चीज थी, जैसे स्ट्रीट पे रोड पे नाइट मैच खेलना सैटरडे नाइट को और बॉल गटर में चली गई और दो बंदे जाके दो डंडों से यू करके गटर से यू बॉल निकाल रहे हैं। ये हर ये कहानी है, ये अर्ली डेज में हर प्लेयर के साथ। हम समझते हैं इंटरनेशनल प्लेयर वहीं से आ जाते हैं, उनका कोई आसमान से उतर जाते हैं, लेकिन आप लोगों ने भी गटर से बॉल निकाली हुई है। देखिए ऐसे ही शुरू होता है सबका कैरियर, जो है शुरू में सब गली में ही खेलते हैं। सही बात है। लेकिन देखिए मैंने कभी भी इसलिए क्रिकेट नहीं शुरू की थी, ईमानदारी ये बात है कि मैं, मुझे नहीं लगता था कि मैं पाकिस्तान टीम में आ जाऊंगा। अच्छा, क्योंकि मेरे ख़ानदान में कभी कोई स्पोर्ट्समैन नहीं रहा, कभी किसी ने क्रिकेट नहीं खेली, तो मुझे कोई आसपास से इंस्पिरेशन थी नहीं। सही, मैं सिर्फ ये गेम इसलिए खेलता था क्योंकि मुझे इस गेम से प्यार था। मैं ग्राउंड जाता था, मेरा टाइम ऐसे गुजरता था जैसे पता ही नहीं चला दिन कहाँ गया, तो बस उसको फॉलो करते करते पैशन को आगे बढ़ते गए और अल्लाह ने करम किया, एक दिन टीम में आ गया। अच्छा सर, मैं एक बात बताएं, कमेंट्री में भी टसलबाजी होती है क्या? मतलब एक आपने शॉट मारा चौका या छक्का और कमेंटेटर अगर आपसे टसल रखता है तो वो ये बोलेगा बॉलर ने बुरी बॉल कराई है। बिल्कुल होता है, आपके शॉट की तारीफ नहीं करेगा ये है। देखें हर किसी के अपने पसंद के प्लेयर होते हैं, कोई किसी को पसंद होता है, कोई किसी को पसंद होता है, लेकिन मेरा पर्सनल व्यू है कि फेयर रहना चाहिए कमेंट्री में, एज अ कमेंटेटर जो है वो इक्वल रखना चाहिए सब प्लेयर्स को। मतलब ये, लेकिन जो आप ये बात कह रहे हैं होता है, वो बिल्कुल होता है। इंटरनेशनल सतह पे भी अगर ये चीज है बिल्कुल, ये चीज काबिले कबूल नहीं है, आप इसको डिनाई नहीं कर सकते, ये है बिल्कुल है। मतलब असद शफीक ने कट का इतना प्यारा चौका मारा है, मैं बोला यार कितनी गंदी गेंद कराई है, क्या है, मतलब चौका ही मिटा दिया, दिमाग चला गया उस बॉलर पे कि भाई आज उसकी फॉर्म ही नहीं लगी हुई। अजीब सी बात है, बल्कि मैं आपको बताऊं, मैं खुद भी क्रिकेटर रह चुका हूं, मतलब एक मसला हो गया था उसकी वजह से क्रिकेट डिसकंटिन्यू की, मैं बॉल मतलब रगड़ रहा था बॉलिंग कराते हुए, आग निकल गई थी। अजीब, उन्होंने कहा ये आग वाग क्यों निकाल रहे हो भाई, और फिर एक दफा ये वाक किया हुआ, एक दफा तो उन्होंने ग्राउंड से बाहर निकाल दिया मुझे, मैं भागता हुआ आ रहा हूं तो प्लेयर हट रहा है वो साइड से ना, मैंने कहा यार मेरी दहशत है, देखा तो पजामा यहाँ आया हुआ था। क्योंकि उनकी जो एक जो शॉर्ट टेम्पर होते हैं ना, शॉर्ट टेम्पर भी होते हैं, उनकी बॉडी भी जाहिर है एक्सपायर बहुत जल्दी हो जाती है। फास्ट बॉलिंग बहुत मुश्किल काम है, अगर आप उसके मैकेनिक्स देखें ना तो ये
बहुत मुश्किल है। अच्छा, आप ऑफ द फील्ड क्या क्या ट्रेनिंग्स को आपको पीसीबी लाजमी कहती है कि भाई ये ट्रेनिंग आपने करनी है लाजमी, इसमें वॉयलेशन नहीं करनी? पीसीबी के देंगे फिटनेस टेस्ट होते हैं, जब भी पाकिस्तान टीम में नाम आता है, जब भी कैंप में आपको बुलाते हैं ना, अब तो एक फिटनेस क्राइटेरिया है, वो टेस्ट होते हैं, वो टेस्ट आपको पास करने होते हैं तो आपकी सिलेक्शन होती है पाकिस्तान टीम में। तो अब उस टेस्ट को आप पास करने के लिए आपने क्या देखा जाता है? आपने ट्रेनिंग की होगी ना पूरे साल, तो ही आप वो टेस्ट पास कर सकते हैं। उसमें टाइम ट्रायल होता है, उसमें एक हमारा यो-यो टेस्ट होता है, उसमें एंड्योरेंस उसमें दो कॉन्स होती हैं डिस्टेंस पे, और फिर ड्यूरिंग द बीप आपको एक कॉन से दूसरे कॉन पे पहुंचना होता है, और ये तकरीबन 12 से 13 मिनट का नॉन स्टॉप होता है। तो उसमें आपकी एंड्योरेंस चेक होती है, हाँ एंड्योरेंस चेक होती है। फिर स्ट्रेंथ के टेस्ट होते हैं जिसमें आपकी स्क्वाट्स वगैरह देखते हैं, आपके जो है बेंच प्रेस होती है, ये 4-5 टेस्ट होते हैं। अभी मैंने देखी थी बाबर आजम की एक वीडियो आई थी स्विमिंग पूल पे, कुछ वो भी कुछ कर रहा था बैट को लेकर। आपका नहीं? तो दोस्त है बहुत अच्छा, आपको बताता होगा जो भी कर रहा है। एक वीडियो देखी थी मैंने तो खैर भाई फेसबुक पे, और वो बहुत कोई स्विमिंग पूल की भी कुछ एक्सरसाइजेस होती हैं। होती है, वो कूल डाउन करने के लिए होती है। आपको जब आप पूरा दिन मैच खेल के आते हैं तो आपकी बॉडी को ऑफकोर्स कूल डाउन करने की जरूरत होती है, तो पूल में बड़ी अच्छी रिकवरी होती है बॉडी की। अच्छा एक बात बताएं, आर्मी और क्रिकेट का कहा जाता है कि बहुत ज्यादा एक सिमिलर डिसिप्लिन का इनका है क्राइटेरिया, और इन सजाएं भी दी जाती हैं, अगर कोई आपने वायलेशन की तो ग्राउंड के चक्कर लगाओ 10, तो इस तरीके के भी हैं, बल्ले बल्ले उठा के भाग रहे ग्राउंड के चक्कर। हुआ है मेरे साथ, हाँ बिल्कुल। मैं एक क्लब से खेलता था, अजमी भाई हमारे क्लब के एक थे ना, तो मैं 96 पे आउट हो गया। अब ओवर ख़त्म होने में तकरीबन 5-6 ओवर बाकी थे हमारी इनिंग ख़त्म होने में। अब मैं खुश खुश आ रहा हूँ 90, मैंने कहा 96 किए हैं, तालियाँ बजाएंगे हमारे जो, हाँ जो हमारे कोच थे, बोला भाई 6 ओवर बाकी हैं, जब तक ये 6 ओवर ख़त्म नहीं हो जाते ना, जब तक ग्राउंड के चक्कर लगाते रहो, बल्ला नहीं कर रहे, शुरू शुरू के दिन बिल्कुल। बाकी ये तो मैं तो मजाक कर रहा था, ये हुआ है, ये होता है, मतलब शुरू शुरू में हर कोच अपना डिफरेंट होता है, लेकिन लेकिन जो उनकी सोच थी उसके पीछे वो सोच को पॉजिटिव लेना चाहिए। आपको जाहिर है वो 96 वाला प्लेयर ही नहीं, मतलब आप 196 वाले प्लेयर हैं, आप 96 पे क्यों आउट हुए? नहीं नहीं ये बात है। अच्छा एक अवामी एक सवाल है असल भाई, मतलब गली मोहल्लों में कहीं भी ये सवाल जरूर होता है कि एक क्रिकेटर कितने पैसे लेता है एक मैच के? ये तो अब ओपन सीक्रेट है, अब तो पीसीबी की वेबसाइट पे और हर जगह सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सबके सबको पता होते हैं कि कोई इस तरह की डॉलर्स में होती है अमाउंट? नहीं नहीं, $3,000-4,000 नहीं, जब पाकिस्तान टीम का बाहर का टूर होता है तो डेली अलाउंस जो होती है वो डॉलर में होती है, बाकी जो मैच फीस वगैरह होती है वो PKR में होती है। अच्छा वो PKR में होती है, लेकिन ये बात हकीकत है कि हमारी जो PKR जो फीस है जी, वो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की फीसेस से बहुत कम है, बिल्कुल कम, आधे से भी कम है, ऐसा है? हाँ अराउंड आधे के आसपास है, अराउंड आधे के आसपास कम। तो ये फिगर वाइज अगर बताया जाए तो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है उनकी, मैंने लास्ट टाइम देखी थी 3-4 साल पहले, अब मुझे आजकल नहीं पता, लेकिन उस वक्त आप सही कह रहे हैं कोई हाफ का डिफरेंस था, लेकिन देखिए उनका एक अपना आप कंपैरिजन नहीं कर सकते क्योंकि उनकी एक अपनी मार्केट है, इंडिया की मार्केट बहुत बड़ी है और ऑस्ट्रेलिया का बहुत बड़ा सेटअप है, लेकिन यहाँ भी पाकिस्तान में पिछले एक साल में अभी डोमेस्टिक जो मैं लास्ट सीज़न खेला हूँ उसमें जो है वो लड़कों की सैलरीज जो डोमेस्टिक खेल रहे हैं, मैं सिंध से खेल रहा था, तो 1-1 लाख रुपए जो है वो ये काफ़ी हाँ इंक्रीज़ की है, 1 लाख रुपए देखिए काफ़ी, तो अब ये डिपेंड करता है कि लाइफस्टाइल क्या रखा हुआ है, नहीं लाख रुपए उन्होंने इंक्रीज की है सर। अच्छा इंक्रीज की है, पहले जो ए वाला प्लेयर है वो तकरीबन 2.5-2.5 लाख रुपए जो है पर मंथ उसकी है सैलरी, तो इट्स गुड कि अगर क्योंकि डिपार्टमेंट तो अब बंद हो गया है, तो अब जो भी प्लेयर खेल रहा है वो सिंध से या अपनी अपनी एसोसिएशन से खेल रहा है, तो जो खेल रहे हैं उनको वेल इनफ होना चाहिए कि अपनी टेक केयर कर सकें। अच्छा एक बात बताएं, एक सवाल और है अवामी, ये मोइन खान अकेडमी, जलालुद्दीन अकेडमी और राशिद लतीफ अकेडमी, ये मालिक है क्या इन अकेडमी? लोग इतने बड़े बड़े ग्राउंड, एक सवाल है अब भी गुजरते हुए कि ये क्या है, ये गवर्नमेंट इनके नाम से मुंसलिक? नहीं नहीं, बस नाम इनका होता है, सेटअप सारा, हाँ सेटअप सारा ये बनाते हैं। देखें अच्छा है, अब प्लेयर जिसने सर्व किया हो पाकिस्तान को इतने साल तक और फिर वो नए लड़कों में वो ट्रांसफर करे सारा अपना एक्सपीरियंस, तो इट्स गुड फॉर एवरीवन के लड़के उनसे सीखें जाके। तो राशिद भाई ने माशाल्लाह 3-4 ग्राउंड यहाँ कराची में बनाए हुए हैं, और
राशिद लतीफ साहब, राशिद लतीफ साहब, उन्होंने 3-4 ग्राउंड है, उनकी एकेडमी है, बड़ी अच्छी। अपने जाती पैसों से? नहीं, अपने जाती पैसों से उन्होंने आधा काम पैसों से किया होगा, आधा मिलके किया होगा। स्पॉन्सर्स हैं, नाम है। नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है जी, बहुत अच्छी बात। तो ये अच्छा है कि लड़के सीखें जाके, और बेसिक्स जो है ना अर्ली एज में 15-16 साल में, इस टाइम अगर आपको बेसिक्स पता चल जाए ना गेम की, तो वो फिर आगे बहुत काम आती है। अच्छा, आप लोग तो देखें मैच खेल रहे होते हैं जब यहाँ पे कराची में मैच होता है, और हम लोग गुलशन बैतुल मुकर्रम में सड़ होते हैं, ट्रैफिक में फंसे होते हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है कि बिल्कुल रोड जाम कर दिया, बंद कर दिया? मतलब है, ठीक है मैच होना चाहिए, लेकिन 10,000 लोग जो सफर कर रहे हैं इंग्लिश वाला, हाँ। तो उसके बारे में क्या है, आपकी क्या वर्डिक्ट है, ये क्या होना चाहिए या कोई कंट्रोल एनवायरनमेंट में होना चाहिए? अनफॉर्चुनेट है कि अगर इस तरह से लोग सफ़र कर रहे हैं तो मुश्किल हो जाती है लोगों के लिए, लेकिन आप देखें ये करना भी ज़रूरी है, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज़रूरी है, लेकिन इसका अल्टरनेट बताना चाहिए लोगों को। आप हफ्ते पहले बता देंगे भाई ये रूट बंद रहेंगे, ताकि फिर लोग अपने उस हिसाब से सेटिंग कर लें। नहीं, कराची में तो सर आप ही रहते हैं, आप भी नया नहीं है कराची में, तो कुछ भी मतलब जहाँ पे फंसे हैं वही फंसना है लोगों को। आप 10,000 फंसा हुआ है ना, तो 10,000 घर से निकल के स्पेशली वही फंसे हैं, बोलेगा हमने भी यही फंसना है। अजीब सी बात है, वो नारे वाले आ जाते हैं, नारे अजीब रोजगार ट्रैफिक में चल रहे हैं लोगों के। अनफॉर्चुनेट है, लेकिन आई होप कि ये चीज बेहतर हो आगे, ये होना चाहिए, कोई कंट्रोल एनवायरनमेंट में हाईवे की तरफ या कहीं ऐसी जगह पे। मेरा ख्याल है कि हाँ, शायद सोच भी रहा था पीसीबी इस बारे में कि थोड़ा सा आउट ऑफ सिटी हाँ बनाया जाए कुछ, लेकिन मुझे नहीं पता कि अब उस पर इम्प्लीमेंटेशन शुरू हुई या नहीं, लेकिन सोच चल रही थी इस बारे में। अब देखें जो बड़े बड़े जिस तरह दुबई का आप स्टेडियम अभी गए थे देखने, तो वो शहर से बिल्कुल बाहर बना हुआ है, बिल्कुल आउट, तो फिर वो डिस्टर्ब नहीं होता शहर जब मैच होता है ना, तो ये अच्छा है। खाने में क्या पसंद करते हैं? बस अपनी बिरयानी, बिरयानी बिरयानी कबाब पराठा, कबाब जरूरी है। अच्छा, बाहर ममालिक में जब खाना इस तरह का नहीं होता तो फिर क्या बिरयानी ले जाते हैं, या बिरयानी की तस्वीर देख के कोई दूसरा आइटम खा रहे होते हैं, क्या करते हैं? शुरू शुरू में मुश्किल होता था, पता है शुरू शुरू में बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर आप जब आप जाते हैं भाई डिफरेंट कल्चर में जाते हैं, डिफरेंट चीज़ें ट्राई करते हैं, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वाला टेस्ट भी बिल्ड होना शुरू हो जाता है। मुझे याद है अच्छी तरह वेस्ट इंडीज़ में हम लोग थे, तो वहाँ तो हलाल का भी बड़ा इशू था, क्योंकि वहाँ पे मुसलमान नहीं है, बहुत कम मुसलमान है, तो फिर हमें ऐसा अपार्टमेंट दिया हुआ था कि वहाँ किचन भी था, फिर सईद भाई ने हमें दाल और सब्जी बना के खिलाई। सईद अजमल था, बहुत अच्छे हो गया। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। अच्छा, आप आपको ये चौथे वाली कहानी पता है? चौथे वाली जो इन्होंने पागल बना दिया, आप बताओ पूरा। हमारी सीरीज चल रही थी ना, तो ऑस्ट्रेलिया से हमारी सीरीज थी, तो सीरीज से कोई एक हफ्ते पहले इन्होंने बोला कि कोई चौथा आ रहा है। अब तीसरा तो ये करते थे, बड़ा खतरनाक बॉल था इनका ना, तो अब ऑस्ट्रेलिया के गेम में खलबली मच गई, पता नहीं क्या चौथा बॉल कौन सा निकाल रहे हैं। अब मैच शुरू हुआ तो अब वो बैट्समैन उनके ढूंढ रहे हैं चौथा कब आएगा कब आएगा, सीरीज खत्म हो गई पूरी ना। तो सीरीज के बाद उनका इंटरव्यू हुआ कि यार आपने सीरीज से पहले बोला था चौथा, वो कह रहे हैं वो तो मेरा बेटा आने वाला था चौथा में उसके बाद। हमने सुना है, मेरी मुलाकात होने वाली थी लेकिन हो नहीं पाई कि बोर ना हो बंदा। हाँ, मेरे साथ, हाँ मेरे साथ उनकी मुलाकातें हुई है 3-4, बहुत मजा आया, बहुत अच्छी है, बहुत मजेदार आदमी। और बैट्समैन भी तो खैर अपने पाकिस्तान के वन ऑफ द बेस्ट ओपनर एवर, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा असद भाई, आपने पूरी दुनिया का ट्रैवल किया, क्रिकेट ने आपको पूरी दुनिया घुमाई। इंडिया में अगर हम आए आपसे पूछें, क्योंकि हमारे पड़ोसी मुल्क है, हमारा इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा, हम हर चीज़ कंपेयर करते हैं इंडिया से, तो इंडिया में कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका क्रिकेट का, और कितनी दफ़ा गए? इंडिया मेरा एक ही एक्सपीरियंस है, वर्ल्ड कप 2011 मोहाली। अच्छा हुआ ऐसा था कि हम थोड़ा पहले पहुँच गए थे, हम पहले क्वालिफाई कर गए थे सेमीफाइनल के लिए, सेमीफाइनल वहाँ था, तो हम कोई 10 दिन पहले पहुँच गए थे। अब उस वक्त पाकिस्तान टीम में जो प्रैक्टिस होती थी ना, हम लोग एक स्टोन रख के और उस पर प्रैक्टिस करते थे, तो वहाँ जब हम पहुँचे प्रैक्टिस पे तो हमने वो स्टोन मंगाया, तो उन्होंने ब्लैक था थोड़ा वहाँ का स्टोन ना, तो अब वहाँ का मीडिया जब हमारी प्रैक्टिस कवर करने आया तो इस तरह की प्रैक्टिस उन्होंने देखी नहीं थी कभी कि स्टोन के ऊपर बॉलें फेंकना। तो अब जब शाम को मैंने चैनल खोल के देखा उनका, तो ये वो वहाँ पे चैनल पे एक अजीब ही स्टोरी चली हुई थी, ये काला पत्थर लेके आए हैं, ये क्या करेगा काला पत्थर, इस काले पत्थर के पीछे क्या राज है।
वो बड़ा शॉकिंग एक्सपीरियंस था। मैंने कहा यार ये मतलब किस तरह की रिपोर्टिंग हो रही है, बड़े जज्बाती है मीडिया उनका। हाँ लेकिन जब प्लेयर से मेरा इंटरेक्शन हुआ ना उनका तो बिल्कुल मतलब नॉर्मल, ये एज अ आवाम जो है ना दोनों साइड की वो थोड़ी ज़्यादा जज्बाती है, लेकिन प्लेयर हम लोग आपस में मेरा जितना इंटरेक्शन रहा है तो बड़ा नॉर्मल हंसी मजाक दोस्ती में। नहीं बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए क्योंकि एट द एंड स्पोर्ट्समैन आप भी हैं वो भी हैं, एक दूसरे की इज्जत रिस्पेक्ट। अगर कोई शॉट उन्होंने अच्छा मारा है और आप अप्रिशिएट करते हैं तो ये आपस में एक हेल्दी कंपटीशन है, स्पोर्ट्समैनशिप फिर यही डिमांड करते हैं। बिल्कुल इसी को कहते हैं। बहुत शुक्रिया असद भाई आपकी आमद का। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी नादिर भाई, एज ऑलवेज थैंक यू सो मच। और इंशाल्लाह हम दुआ गो हैं कि आप बहुत जल्द टीम में कमबैक करें, धुएंधार तरीके से करें और हम आपको देखना चाहते हैं। अभी कोई तकरीबन 10,000 से 15,000 रन पेंडिंग है आपकी तरफ आपने पाकिस्तान के लिए करने इंशाल्लाह जी। मौजूद खबर तीनों हजरात उम्मीद करते हैं पॉडकास्ट आपको पसंद आई होगी। असद शफीक और मुझे इस पॉडकास्ट से दीजिए इजाज़त इस अपनेपन के साथ कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।